नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। डोईवाला में नागल ज्वालापुर गांव के देहरादून हिल्स एकेडमी में कल शाम को स्कूल के हॉस्टल में गोरखपुर के एक छात्र के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं इस हॉस्टल परिसर में अचानक एक नाबालिग छात्र के आत्महत्या करने से मौके पर हड़कंप मच गया। तो क्या है ये पूरा मामला, लीजिए आप भी देखिए। डोईवाला में एक स्कूल के हॉस्टल में एक छात्र की ओर से आत्महत्या की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि देर शाम छात्र हॉस्टल के बाथरूम में लटका हुआ मिला। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल के छात्रों ने स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद स्कूल में हॉस्टल के वार्डन और स्कूल प्रबंधक के साथ छात्र को तत्काल डोईवाला के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान घटना की जानकारी डोईवाला कोतवाली को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने छात्र के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए हिमालयन हॉस्पिटल भेजा। वहीं घटना की जानकारी पुलिस ने छात्र के परिजनों को दी। साथ ही घटना की जांच में जुटी पुलिस के अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि छात्र की मौत की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। साथ ही स्कूल प्रशासन ने कहा कि उनकी ओर से पुलिस को हर तरह का सहयोग दिया जा रहा है, ताकि छात्र की मौत का खुलासा जल्द से जल्द हो सके। है कि ये अनुराग पांडे, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, ये देहरादून हिल्स एकेडमी में बोर्डिंग में पढ़ता था और इसके द्वारा बाथरूम में जाकर रस्सी से फांसी लगाई गई, जिसमें इसके अध्यापकों व इसके स्टाफ द्वारा, स्कूल के स्टाफ द्वारा इसको CHC डोईवाला में लाया गया उपचार हेतु। फिर डॉक्टर ने वहाँ पर चेकअप करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया और डेथ मेमो। ये बहुत दुखद घटना है। एक 16 साल के बच्चे, जो अच्छे, जिसका अच्छा बोल चाल, व्यवहार, पढ़ाई लिखाई, हर एक चीज़ में, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है और बहुत बड़ा दुखद ये घटना है। अभी हमारे को इतना ही पता है कि वो जो हमने उनकी पुलिस की टीम के साथ शेयर करा, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बच्चा अपना स्कूल से आया, पढ़ाई करके खाना खाया, फिर एक्स्ट्रा जो पढ़ाई कर रहे थे सारे बच्चे मिलके, उन्होंने, उसने कहा कि मेरे को नीचे वॉशरूम में जाना है, तो 5-7 मिनट तक वो जब नहीं आया तो बच्चे को, दूसरे बच्चे को भेजा ढूंढने के लिए। तो जैसे उस बच्चे ने उसको, वो तुरंत वापस आया, टीचर और स्टाफ गए, मिस्टर मानसिंह है वहाँ पे, युधिष्ठिर से डायरेक्टर, ये सब तुरंत उसको हॉस्पिटल रश करा। उन्होंने वहाँ, हॉस्पिटल ने पूरा कोऑपरेशन करा, वहाँ डॉक्टर्स ने, उत्तरांचल के डोईवाला के डॉक्टर्स ने पूरा कोऑपरेशन और पूरा उसकी रिवाइव, उसको करने की प्रोसीजर्स दिए, पर अनफॉर्चुनेटली उसको रिवाइव नहीं कर पाए। तो सर, अभी तो हम अभी जैसे पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, स्कूल ने भी एक कमेटी बनाई है। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।